माउंट आबू में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश को देखते हुए सिरोही में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से माउंट आबू में बिजली लाइन भी प्रभावित हो गई है। बिजली विभाग लाइन को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। प्रदेश की पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। जहां कल रेड अलर्ट घोषित किया था, उसके बाद माउंट आबू की फिजाओं में जहां मौसम का नज़ारा देख सकते हैं, तो इस वक्त जहां हम खड़े हैं यहां पर मौसम में ज़रूर बदलाव आया हुआ है और शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में देर रात से माउंट आबू की जो वादियों में जो हवाएं चल रही थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो पेड़ यहाँ पर धराशायी हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की जो परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जेसीबी है, जेसीबी की सहायता से जो पेड़ गिरे हैं, जो विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको सही करने का यहाँ पर काम भी किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर विद्युत विभाग के कर्मचारी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कितना नुकसान हो रहा है? देर रात से हवाएँ चल रही है माउंट आबू में। अपने अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, ओनली हमने एक पोल टूटा है। ये जो अभी जैसे ही आपदा दल वाले ये खजूर हटाने के बाद में 5-7 मिनट में, आधे घंटे के, 1 घंटे के अंदर अपनी सप्लाई यहाँ की चालू कर देंगे, सुचालू कर देंगे। सर, तेज हवाएं चल रही है लगातार रात से, क्या अनुमान है और कहीं पेड़ गिरने के ऐसे अंदेशे हैं? अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है और शायद मेरे अनुसार अभी सब माउंट की सारी सप्लाई चालू है, तो ऐसा कहीं पर ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ बिजली बोर्ड में। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम अधिकारी है वो जुटे हुए हैं, नज़र आ रहे हैं। वहीं जेसीबी यहाँ पर जद्दोजहद कर रहा है कि जो मार्ग के ऊपर जो खजूर गिरा है उसको कहीं ना कहीं हटाने का यहाँ पर प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं मौसम और बारिश की बात करें तो माउंट आबू जैसे क्षेत्र में केवल अभी 333 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश हुई है, और कुल बारिश की बात करें तो जो 80% अभी बारिश होना बाकी है, केवल 20% ही बारिश हुई है। शहर के सभी जलाशय अभी खाली हैं। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो उम्मीद जता रहे हैं कि माउंट आबू जैसे क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। सहयोगी छगन राणा के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, माउंट आबू, सिरोही।